हो गया मेरा मील रिप्लेसमेंट। भी दूसरों की बीवी और दूसरों की चीजें हमेशा अच्छी लगती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अन अदर व्लॉग। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, बिकॉज आज हम जा रहे हैं दिल्ली। आई लव डूइंग व्लॉगिंग जब मैं ट्रैवल करता हूँ, बिकॉज मेरे पास में दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। आई हेट डूइंग व्लॉगिंग जब मैं ट्रैवल नहीं करता, बिकॉज मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कम होता है। सो आज बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। मीनवाइल मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ, बिकॉज हर बार की तरह इस बार भी मैं लेट उठा और मुझे मॉर्निंग कार्डियो मिस करना पड़ा। तो अभी मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ, और रेडी होते ही मुझे एयरपोर्ट भागना ताकि मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए। तो आज मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को भी मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, वैसे हाँ मेरी बॉडी अच्छी लग रही, थैंक यू। तो मैं आप लोगों को जैसे बताया कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो मेरी जो डाइट है उसके अंदर में है 8 egg whites 1 egg white मंजे, 24 ग्राम प्रोटीन 3 into 8, और मुझे अभी लिए रिप्लेसमेंट करना है। तो अगर जैसे कि मैं ये देखता हूँ तो इसके एक सर्विंग में 25 ग्राम प्रोटीन है, तो मैं इसका क्या करूंगा, एक सर्विंग साइज पहले पीछे पढ़ूंगा जो है 1 scoop, वो मैंने इसके अंदर में डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 25 ग्राम प्रोटीन, मुझे लेना था 24, वेल मैंने ले लिया 25। उसके बाद में मेरे डाइट में है 35 या 38 ग्राम कार्ब्स है, तो उसके लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, अगर मैं 50 ग्राम ओट्स खाता हूँ तो मुझे मिलते 33.5 ग्राम कार्ब्स। अब 50 ग्राम ओट्स काउंट करने के लिए मैं इसको रख दूंगा यहाँ पे, इसको दबा दूंगा 0, ठीक है। 0 के बाद में मैं इसमें डालूंगा 50 ग्राम ओट्स, ये हो गए 40, ये हो गए 49.5। तो ये हो गया मेरा मील रिप्लेसमेंट, जिसमें जो मेरी डाइट में था वो मेरी डाइट में। अगर आपकी डाइट में फैट है तो आप फैट के रिप्लेसमेंट में पीनट बटर डाल सकते हो, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, या आलमंड बटर डाल सकते हो, या कैश्यू बटर डाल सकते हो, जो चाहे वो डाल सकते हो। लेकिन ये रिप्लेसमेंट तभी यूज करना है जब आपके कोच ने अलाउ किया हो, या फिर आप बहुत ज्यादा घाई में हो। जैसे मैं अभी घाई में हूँ और मुझे भागना है, तो मैं पहले एक पीता हूँ और भागता हूँ। हम आ गए दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जो है ऑटो रिक्शा। कहीं भी जाना हो मुंबई के अंदर, ये सबसे अच्छी सहूलत है। आओ अपना बैग डालो, एयरपोर्ट पहुंचो, अपना फ्लाइट पकड़ो, निकल जाओ। वरना तो भाई अगर एयरपोर्ट पे गाड़ी पार्क करने के लिए जाएंगे तो फ्लाइट से महंगी तो गाड़ी की पार्किंग पड़ जाएगी। तो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। प्रोटीन और वुड्स के अलावा कुछ खाया नहीं यार, अभी थोड़ी देर में भूख लगेगी तो एयरपोर्ट पर भी कुछ खाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या ना, जब कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है ना, तो ये भूख बहुत ज़्यादा लगती है और फिर कंट्रोल भी नहीं होता। देखो अगर मेरा कॉम्पिटिशन होता तो मैं सुबह 6 बजे उठ गया होता कुछ भी करके, लेकिन कॉम्पिटिशन नहीं था तो थोड़ा इतना लेजी हो गया कि मॉर्निंग कार्डियो मिस हो गया। लेकिन मैं कार्डियो मिस नहीं करूँगा, मॉर्निंग मिस हुआ है, मैं वर्कआउट की बात करूँगा लेकिन करूँगा ज़रूर। एक कार्डियो हम करेंगे दिल्ली में। आज इतनी गर्दी है बॉस, लगता है सबको टिकट फ्री में मिली। आज फुल एयरपोर्ट फुल है, डर नहीं है इन सब से, मैं कुछ भी खा सकता हूँ जो मन में आया। लेकिन अभी मैंने प्रोटीन एंड ओट्स खा के आया था, तो ये सब खाने की ज़रूरत नहीं, बट कभी दिल हुआ तो खा सकते हैं, बिकॉज अभी कंपटीशन थोड़ी ना। बाय द वे आप लोगों ने देखा कि नहीं, मैंने एक टी शर्ट खरीदा है, गेट आउट ऑफ द काउच व्लॉग। आजकल जितने एडिक्टेड आप लोग हो रहे हैं व्लॉग से, उतना ही एडिक्टेड मैं भी हो रहा हूँ व्लॉग से। टी शर्ट भी मैंने व्लॉग वाली पहन ली। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मुझे लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे कमेंट कर करके कि ये जो मैंने सुपरमैन वाला बैग लिया ये कहाँ से लिया। सुपरमैन वाला बैग मैंने सिंगापुर में सुपर हीरोज़ कैफ़े तो सुपर हीरोज़ कैफ़े करके एक बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ पे कॉफ़ी भी मिलती है और सुपर हीरोज़ के सब बैग्स एंड एवरीथिंग। तो जो लोगों को भी चाहिए सिंगापुर जाओ और ख़रीद लो, इंडिया में नहीं मिलने वाला भाई। कंटेंट की ऐसा चीज़ें भी एक्सक्लूसिव होनी चाहिए तो ही तो मज़ा आएगा भाई, वरना ऐसे थोड़ी ना लोग फॉलो करेंगे अपने को। अभी हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक करने के लिए, उसके बाद में हम बैठ जाएंगे फ्लाइट में, जो भी होता रहेगा आपको बताएंगे।
वी हैव जस्ट लैंडेड इन दिल्ली एंड आप लोगों को मैं बहुत अच्छी टिप्स बता देता हूँ कि जब भी अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर फ्लाइट में एकदम आराम से उतरना, अगर आप लोगों का बैग चेक इन में है तो, बिकॉज आप कितनी भी जल्दी उतरो नीचे या तो आपको बस के लिए खड़ा रहना पड़ेगा या तो विमान के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक के सब पैसेंजर आ नहीं जाते तब तक कि ये लोग सामान लेने में इतना टाइम लगाते, तो एकदम लास्ट में उतरने का, आई वॉज द लास्ट पर्सन टू एंटर इन द फ्लाइट, आई एम द लास्ट पर्सन टू गेट आउट ऑफ द फ्लाइट, बट आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट माई बैग एंड लीव, हैप्पी मी। क्या बोला था, सबके सब ऐसे के ऐसे ही खड़े, तुम्हारा भाई निकल गया ना, अपने को पता है अपना बैग कब आने वाला है, बात ही चल गया, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। अब हम आ गए होटल में, होटल ताज पैलेस में हमने चेक इन कर लिया है, ये व्यू है और ये हमारा रूम है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रूम दिखा देता हूँ। ये 5-स्टार होटल में रुकने का मजा ही अलग रहता है, यहाँ से घर जाने का दिल ही नहीं करता, इतने अच्छे अच्छे क्लीन सुथरे साफ सुथरे रूम रहते मज़ा आ जाता है यार, मज़ा, इसके बेड का भी मज़ा अलग है। वो बोलते हो ना, हमारे पास में दुनिया की बेस्ट चीज़ें भी होगी ना, लेकिन फिर भी दूसरों की बीवी और दूसरों की चीज़ें हमेशा अच्छी लगती है। मुझे तो मेरी बीवी अच्छी लगती है, मैं दूसरों की बात कर रहा था, मेरे को मेरी बीवी अच्छी लगती है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिख रही है वहाँ पे सामने, मैं आपको दिख, ये आप में से पता है क्या क्या है, ये किसको पता है ये क्या है, ये जो वाइट कलर का है, आई एग्जैक्टली डोंट नो ये क्या है, बट बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और ये है मेरे रूम का व्यू, फुल ग्रीनरी है, कोई झंझट नहीं, कोई मच मच नहीं। और ये है मेरा रूम, यार ये दो अलग अलग बेड देते ना तो ऐसा लगता है जुदाई जुदाई। वाओ, इसमें टब भी है और इसमें मैं व्लॉग भी दिख रहा हूँ। बाय द वे, मैंने जो पहले आपको बोला था वो स्पेलिंग गलत थी, आई मीन मैंने गलत पढ़ लिया था, लेकिन अब मैं सही पढ़ रहा हूँ, गेट ऑफ द काउच व्लॉग, गेट ऑफ द, मैंने लिखा था गेट आउट ऑफ द काउच, बट यहाँ लिखा है गेट ऑफ द काउच। थोड़ा सा गलती हो जाती है यार कभी कभी इंग्लिश पढ़ने में, कितने कौन से पढ़ाकू थे अपन, 46 लेके पास हुए थे। अच्छा रूम है यार, हाँ लाइटिंग भी अच्छी है, वेंस भी अच्छी दिख रही है, एब्स, मजा आएगा आज, मजा आएगा। और अब हम जा रहे हैं आराम करने, गुड नाइट। इसी में आराम करने के लिए गया, मेरा वाईफाई से फोन कनेक्ट हुआ, टिडिंग 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 टिडिंग, इतने मैसेजेस आने लगे, मैंने देखा और फिर मैंने लैपटॉप पे आके अपना व्हाट्सएप कनेक्ट किया और अब मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे और ईमेल पे। इतनी सारी इंक्वायरी आई, कल मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में बताया, मैं रिप्लाई करते करते थक गया। अगर आप लोग में से किसी को रिप्लाई नहीं मिला है तो प्लीज़ कृपया होल्ड करें, और मैं बहुत लिमिटेड लोगों को लेता हूं, तो आई एम सॉरी अगर मैं आपको नहीं ले पाऊंगा ये स्लॉट में, तो मैं अगले स्लॉट में ले लूंगा, लेकिन आप लोगों को ट्रेन जरूर करूंगा। थोड़ा सबर रखना यार, इतनी आदत नहीं है मुझे रिप्लाई करने की, इतना फास्ट फास्ट करना, व्लॉग बनाऊं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करूं, ई बुक लिखूं, क्या क्या करूं मेरे भाई, अभी तो रमजान का डाइट भी बनाना बाकी है। बाय द वे, मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप दिल्ली से हो और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो कल हम 6 बजे नारायणा में राइनोज जिम में मिल रहे हैं, नारायणा में राइनोज जिम में। मैं नीचे एड्रेस डाल दूंगा, आप लोग देख लो, 6 बजे से 7 बजे मैं वहां पे सबसे मिलूंगा। जो क्वेश्चन पूछना है पूछो, जो बातें करनी है करो, जो वीडियो बनाना है बनाओ, पिक्चरें लेनी है लो, बस सिर्फ एक सवाल मत पूछना, हाउ टू लूज बेली फैट। मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ फिर बात करते हैं। फाइनली काम खत्म करने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ खाना चाहिए और मैं आ गया हूँ अभी लंच करने के लिए। लंच में बूफे लगा था तो थोड़ा सा मिक्स आइटम उठा लिया हूँ, क्योंकि मज़ा आता है ना थोड़ा मिक्स खाने में। देखो अभी सबसे पहले चिकन, फिर ये एग प्लानेट जो है बैगन, पनीर, गोभी की भाजी, पालक पनीर नहीं एक्चुअली पालक और मशरूम है, फिर ये मटन, ये थोड़ा सा राइस, हेल्दी थोड़ा सा अनहेल्दी मिक्स करके, लास्ट में डेजर्ट में थोड़े गुलाब जामुन तो चलते ही है यार, ऑफ सीजन है। देखा जैसे ही मैं खा रहा हूँ, इन्होंने तो रोटी, ये पता नहीं कौन सा चाइनीज है, और ये मटन करी, राइस एंड फ्राइड राइस, और ये भाई पिज्ज़ा एंड चपाती, डाइट को भाई क्या चाहते हो, हमें डेजर्ट भी बाकी है। डेजर्ट में हमने एक छोटा सा हेजलनट चॉकलेट केक लिया है, ये है फ्रूट सैलेड, ये मोतीचूर का लड्डू, और ये एक छोटी सी बर्फी, ज़्यादा नहीं बहुत छोटा सा खाना। इतने स्वीट है, आपका नाम क्या है? राजीव भाई, इतने स्वीट है, सिर्फ तारीफ किया कि हेजलनट केक बढ़िया है, और इन्होंने देखो पूरा केक पार्सल करके लेके आए, इन्हें फुल फिराक में मुझे मोटा करने की, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। दबा के खाना खाने के बाद, लेकिन सच बताओ ना, मैंने वो फ्रूट सैलेड खाया, ना मैंने वो मोतीचूर का लड्डू खाया, ना मैंने वो बर्फी खाई, इतना यम था वो केक कि मैंने उसके अलावा कुछ नहीं खाया, और मैंने वो केक भी पार्सल लेके, अब रात में भी वही वाला केक खाऊंगा, और
अगर आप लोग कभी ताज पैलेस में आओगे चनकिया पूरी वाले, तो प्लीज ये वाला केक जरूर ट्राई करना है यार, हेजलनट केक बहुत ही यम था। मेरी जिंदगी के कुछ केक में से वन ऑफ द बेस्ट केक था मैं बोल सकता हूँ। थैंक्स टू राजीव जिन्होंने मुझे केक दिया पार्सल करके। वेल अब मैं आ गया हूँ वापस मेरे डेस्क पे काम करने के लिए, और अब काम करने के बाद में मैं थोड़ा 15-20 मिनट का जो पेंडिंग काम है वो करके मुंह हाथ धो के प्री वर्कआउट लेके मैं जाऊंगा जिम, और उसके बाद में मेरा एक इवेंट है 7:30 बजे का जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। आगे आगे दिखने मिलेगा, अभी सब बोल दूंगा तो मजा नहीं आएगा ना भाई, एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगी, सिक्वेंस ही निकल जाएगा, पूरा क्लाइमेक्स ही इधर आ जाएगा, तो देखते रहिए। Meanwhile, अगर आपको लगे तो नीचे एक लाइक का बटन है उसको दबा दो यार, दबा दो लाइक लाइक लाइक। मैंने आपको लोगों को बताया था कि मैं अभी बैठा हूँ, थोड़ी देर काम करूंगा, खाना हजम करूंगा और उसके बाद जिम जाऊंगा, लेकिन जब इस जैसे कमीने दोस्त हमारे पास होंगे, ये कहाँ गया मेरी उंगली, अच्छा ये फ्रंट कैमरे में ऐसे ही होता है, तो मेरे इस जैसे कमीने दोस्त, ये कमीना दोस्त, ऐसे दोस्त होंगे तो कभी जिंदगी में तुम जिम जा ही नहीं सकते। मैं मेरा काम खत्म कर ही रहा था नीचे से, हेलो सर मिस्टर रचित हैज कम टू मीट यू, तो अब क्या करें भाई, बुलाना तो पड़ेगा, बोल तो नहीं सकते, हम पहचानते नहीं है। तो रचित आ गया, रचित के बाद में हमारे पास में फेमस यूट्यूबर आए हैं अविरल अग्रवाल। कैसे दोस्तों, मेरा नाम है अविरल अग्रवाल और आप देख रहे हो ऑल अबाउट ओलंपिया चैनल। तो भाई ने देखो अभी पूरी वो कर दिया, अपनी फेमस यूट्यूबर बता दिया, बताओ यार। मैं तो यूट्यूबर हूं नहीं, सबसे पहले मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बक सी हूं भाई। अभी गाली नहीं देते, यूट्यूब का जो सफर है वो शुरू हुआ, आप लोगों को मालूम चलेगा, एक एक ब्लॉगर को, इंडिया के बड़े बड़े ब्लॉगर्स को भाई पिछाड़ने की यार ये ना मुझे चढ़ा रहे ताकि मैं सब करना बंद कर दूं। अगर मैं कभी करना बंद कर दिया तो शिवम के पास जिम्मेदारी ये रहेंगे, बहुत चढ़ाते हैं भाई मुझे, बहुत चढ़ाते हैं, इतना कोई तारीफ करता है क्या। मैं तो देखो इतना चढ़ गया कि आजकल टी शर्ट भी ब्लॉग वाले पहन रहा हूं। वेल गाइज, तो अभी हम कर रहे हैं अविरल भाई के साथ एक इंटरव्यू उनके चैनल के लिए, और बहुत जल्दी अविरल भाई के चैनल पे मेरी बहुत सारी दो वीडियो आने वाली है। एक तो मैंने वो वीडियो बना रहे हैं अविरल भाई जिसमें मैंने अपना नाम खराब करके आया कुवैत में, वैसे मैंने नाम नहीं खराब किया है, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था, ओके ठीक है। और दूसरी हमारा इंटरव्यू आने वाली है। सो अगर आप लोगों ने ऑल अबाउट ओलंपिया पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि हम इंटरव्यू करते हैं उसके बाद की स्टोरी बाद में। और जुनाद भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करा करो भाई, और मैं भाई नहीं करो, तो रोज करा करो डेली के डेली। अरे नहीं भाई सब्सक्राइब करो, ऐसा मत करो, आप एक काम करो, इतना ही कुछ करना है तो सिर्फ लाइक दबा दो, बस लाइक दबा दो, घंटा दबा दो, सब्सक्राइब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बड़े जबरदस्त व्लॉग बनाते हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, बहुत चढ़ा रहे मुझे चने की झाड़, और कहां का ये जो ग्रीनरी थी ना उसमें 2-3 झाड़ पे मैं ही दिखूंगा, देखो थोड़ी देर बाद तुमको। ठीक है गाइस, तो पहले इंटरव्यू खत्म करते हैं, उसके बाद जिसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो तो बताना जरूरी है ना, बताएंगे मचाएंगे, जो नहीं नाचता उसको भी नचाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग एक मुझे पूछ रहे थे कि सर वो जो कंपटीशन के अंदर में अपने लिप पे जो लगाया था उसके बारे में बताइए। तो ये लिप बाम है, ये बहुत छोटी सी नन्नी सी छोटा फटाका बड़ा धमाका है, ये पता नहीं कौन सी कंपनी की, क्योंकि इसके ऊपर स्टीकर लगा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, 225 रुपए की मैंने मुंबई में एक स्टोर है ब्यूटीफुल वहां से लिया था, तो इसको ऐसा लेने का ऐसा लगाने का, इससे क्या होता ना फटे वटे लिप रहते हैं, या फिर जिसके लिप काले पीले रहते ना उसके पिंक हो जाते, मेरे लिप फटे काले नहीं है। सो गाइस मैं हो गया हूं रेडी आज के इवेंट के लिए जिसके लिए मैं दिल्ली आया हूं। तो आज का जो इवेंट है वो है राइनोज जिम का ऑफिशियल लॉन्च, जिसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि जिनका राइनोज जिम है वो मेरे बहुत ही दिल के करीब है, जैसे आप लोग मेरे करीब है, और उस लॉन्च पे इनका फेस भी लॉन्च होने वाला है, और जो इनका फेस है वो है डॉक्टर सोनू सूद, एक्टर सोनू सूद, नॉट डॉक्टर सोनू। तो सोनू सूद आने वाले हैं आज राइनोज जिम की ओपनिंग होने वाली है, हो सकता है कि मैं वहां पे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वहां पे म्यूजिक रहेगी, बट थोड़ा फुटेज दिखाऊंगा और सोनू चैत्र को भी दिखा देंगे ब्लॉग में। सो कैसा लग रहा हूं मैं, वैसे ऐसे हाल में आप लोगों ने मुझे बहुत कम देखा होगा, मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है कहीं से शर्ट लूज कुछ और, बट आई होप कि मैं अच्छा लग रहा हूं, बताओ जरा कैसा लग रहा हूं, कमेंट जरूर करना कैसा लग रहा हूं, लग रहा हूं एकदम डुप्लीकेट सलमान चाइना वाला। We'll be right back.
आफ्टर अ ग्रेट लॉन्च ऑफ राइनो जिम अब बज गए हैं रात के 2। मैं अभी फ्री हुआ आधे घंटे पहले और फटाफट अपने रूम पे आया, चेंज किया और मैं हूँ ट्रेडमिल पे और मैं कर रहा हूँ कार्डियो, बिकॉज सुबह से मैंने ना कार्डियो किया है ना वेट ट्रेनिंग किया है। और बिना कुछ करे तो सो नहीं सकते ना भाई, जिस तरह ब्रश करे बगैर घर से बाहर नहीं जा सकते, उस तरह फिज़िकल एक्टिविटी करे बगैर बेड पे सो नहीं सकते। तो मैंने सोचा वर्कआउट तो चलो आज मिस हो गया, वैसे भी बैक टू बैक 3 दिन से वर्कआउट कर रहा था तो चलेगा, लेकिन कार्डियो मिस नहीं कर सकते बिकॉज खाया भी बहुत दबा के यार आज, ये दिल्ली में खाना कंट्रोल नहीं होता है। वेल गाइज, सो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, अभी मैं कार्डियो ख़त्म करूँगा, उसके बाद होटल पे आई मीन अपने रूम पे जाऊँगा और सो जाऊँगा, कर फिर से व्लॉग बनाऊँगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, सी यू सून विथ अनदर व्लॉग, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग भी कल आ रहे उनसे कल मैं मिलूँगा 6 o'clock नरायना राइनोज जिम, सी यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।